जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है। मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो समझो जीत गए। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास में। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। व्हाट इज SIPRI? SIPRI क्या है? ऑप्शन है स्टेट इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है सी। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में और एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि डेडिकेटेड है रिसर्च कॉन्फ्लिक्ट में, आर्ममेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट में, और बेस्ड इन स्टॉकहोम। द इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड करता है डेटा एनालिसिस और रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन ओपन सोर्स पॉलिसी मेकर्स, रिसर्च, मीडिया और इंटरेस्टेड पब्लिक सेक्टर्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन? निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु सशस्त्र राष्ट्र नहीं है? ऑप्शन है इटली, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन है इटली। जो अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगर देखा जाए, जो 9 न्यूक्लियर आर्म नेशन टुगेदर जो है उन्होंने डिक्रीज़ किया फ्रॉम 13,865 टू 13,400। जो न्यूक्लियर आर्म नेशन है वो है यूनाइटेड स्टेट, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इज़राइल, नॉर्थ कोरिया। जो रसिया और यूनाइटेड स्टेट है अगर उन दोनों को मिलाकर उनकी न्यूक्लियर वेपन्स को देखा जाए तो वो टोटल न्यूक्लियर वेपन्स का 90% है, और चाइना और पाकिस्तान को अगर मिला दिया जाए उनके न्यूक्लियर वेपन को तो वो इंडिया से ज़्यादा है। और इंडिया ने 2019 में 130 से 140 जो है वॉरहेड्स किए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ बीइंग होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित की जा रही है? ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन वी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है वो होस्ट करेगी इसको, और ये पेरिस में, और इसके जो दो सेंटर हैं एक्सपर्टाइज सेंटर्स हैं वन ईच इन मॉन्ट्रियल एंड पेरिस, और ये सपोर्ट की जाती है सेक्रेटरिएट के द्वारा। और ये इस समय न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये अपनी तरीके की पहली है जो जिसने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो कि इन्वॉल्व होगा बट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ है जो हैं वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड में है, इसके एक्सपीरियंस को यूज़ करके और डाइवर्सिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ को यूज़ करके। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिज़ोथोरेक्स सिकुसिरोमेंसिस इज़ अ न्यू फिश स्पीशीज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? सिज़ोथोरेक्सिस सिकुसिरोमेंसिस हाल ही में भारत के किस राज्य में खोजी गई एक नई मछली प्रजाति है? ऑप्शन है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, केरला। तो इसका सही ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो नई स्पीसीज मिली है वो अरुणाचल प्रदेश में ये नई स्पीसीज मिली है, और ये जो स्पीसीज है इसका नाम है सिज़ोथोरेक्स सिकुसिरोमेंसिस, और ये जो फिश है वो बिलोंग करती है सिज़ोथोरेक्स जीनस से, और इसका जो नाम है वो रखा गया है रिवर सिकु एंड सीरम जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है उसके ऊपर। और ये जो फिश इनहेबिटेट है वाटर लॉग्ड एरिया ऑफ टेरिटोरियल रिवर ड्रेनेज में।
बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दीपोर बिल इज लोकेटेड. दीपोर बिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है. ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात, सिक्किम. तो इसका सही ऑप्शन है आसाम. दीपर बोल जो है वो लोकेटेड है साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी, जो एक सिटी है आसाम की, और ये एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है और इसे वेटलैंड भी कहा गया है क्योंकि ये रामसर कन्वेंशन के अंदर आती है और इसको नवंबर 2002 में रामसर साइट में लेक को जो है लिस्टेड किया गया था. और न्यूज़ में है ये इस वजह से क्योंकि इस गुवाहाटी बेस्ड वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के हिसाब से जो गुवाहाटी रिडिफाइन टर्म है अर्बन जंगल, जहाँ पर इसमें 334 जो है वो फ्री रेगिंग फाउनल स्पीसीज लिविंग हैं, ग्रीन स्पेस विथ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स. बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है. ऑप्शन है रसिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर. तो इसका सही ऑप्शन है रसिया. रसिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के ग्लोबल पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है. और जो कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेटेड हैं वो हैं इंडिया के अलावा यूएसए, यूके, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड सिंगापुर. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बायोसेफ्टी लेवल्स यानी कि BSL. निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव सक्रियता स्तर यानी कि BSL के बारे में सही है. ऑप्शन है BSLs आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड. SARS-CoV-2 belongs to BSL second category. Next option है BSL-1 is considered to be the most hazardous. Next option है none of the above. तो इसमें से जो भी option आपको correct लगते हैं आपको comment box में comment करके बताना है. और अगर आपको मेरी ये video अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी बजनी हुई है उसे बजाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू.